नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहां मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, जहां पर पंचायत सहायक जो है उनका धरना अभी भी जारी है। उनको नियमित करने की जो मांग है सरकार से वो अभी भी जारी है। आइए जानते हैं किस तरीके से वार्ता हुई सरकार के साथ में और वार्ता किस तरीके से विफल हुई और अभी क्या कहना है यहाँ पंचायत सहायक का। माननीय बी डी कल्ला साहब के साथ, शिक्षा मंत्री जी के साथ हमारी वार्ता हुई और वार्ता में शिक्षा मंत्री जी ने हमसे कहा था कि हम आपका कैडर बना रहे हैं, फिर में आपका जो वेतन है वो भी आपका बढ़ाया जाएगा, पेंशन वो आपको दी जाएगी, अन्य और सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन हमने सरकार से स्पष्ट कर दिया कि जब तक हमारा नियमितीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता ये धरना हमारा लगातार जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें 2 महीने 4 महीने 6 महीने यहाँ रुकना पड़े हम रुकेंगे। हमारा नियमितीकरण का लक्ष्य पूरा होना चाहिए और इसके पश्चात भी हम यहाँ पर इस चीज़ को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहेंगे और सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता हम यहाँ से बिल्कुल खड़े होने वाले नहीं हैं। सर, आपका ये जो संघर्ष है इसको जारी रखते हुए कितने दिन हो चुके हैं? लगभग इसको 60 दिन जारी हुए हैं और आगे भी लगातार जारी रहेगा। सर, जैसा कि बीच में कई बार सरकार के साथ में वार्ता भी हुई, तो वार्ता में क्या निष्कर्ष निकला, क्या सरकार ने वादे किया आपसे? सरकार ने हमसे क्या है, नियमितीकरण का वादा किया था घोषणा पत्र के अंदर, लेकिन सरकार क्या है उस पर वादे पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पा रही है। हम सरकार से एक बार पुनः सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि हमारे लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम इस धरने से खड़े होने वाले नहीं हैं और लगातार ये धरना हमारा जारी रहेगा। सर, आपका नाम? भूर सिंह जाट, जिला अध्यक्ष करौली। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो पंचायत सहायक का जो धरना है वो जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार जो है इस चीज़ की घोषणा नहीं कर देती कि पंचायत सहायक को नियमित कर दिया जाए। इसके साथ में मैं मोनिका सोनी, कैमरामैन रवि यादव के साथ में, नमस्कार।